टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। ग्रेटर नोएडा में पिता पुत्री के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक हैवान पिता ने नशे की हालत में अपने दो मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने अपनी पत्नी से विवाद के बाद दोनों मासूमों को बाहर ले जाकर उनकी दीवार में पटक पटक कर पत्थर से कुचलकर निर्मम हत्या कर मौके से फरार हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। दिल्ली से सटे सूरजपुर कस्बे के कॉलोनी में आज सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब दो मासूम बच्चियों के शव खाली प्लॉट में पड़े मिले। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जानकारी की तो पता चला कि दोनों बच्चियां कस्बे की ही रहने वाली हैं। दरअसल देर रात शराब पीने को लेकर पति पत्नी में विवाद हो गया था, जिसके बाद आरोपी पिता अपनी दोनों बच्चियों को लेकर बाहर चला गया और उसके बाद घर अकेला आ गया। जब पत्नी ने दोनों बच्चियों के बारे में पूछा तो आरोपी पति ने अपने भाई के यहाँ छोड़कर आने की बात की, लेकिन सुबह जब लोगों ने इसकी सूचना रूबी को दी तो रूबी के पैरों तले जमीन निकल गई। रूबी के माने तो देर रात उसके शराबी पति से विवाद हो गया था, जिसके चलते शराब के नशे में आरोपी पति अपनी दोनों बच्चियों को लेकर बाहर चला गया, जिसके बाद उसने दीवार से पटक कर और पत्थर से कुचल कर दोनों बच्चियों की निर्मम हत्या कर दी और सुबह दिन निकलने पर मौके से फरार हो गया। किसने मारा उनको? इसके पापा ने, हरीश ने। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? कोई हुआ था, दारू पी के आए थे, लड़ाई दंगल करे करे, इसलिए मार उनके करे तो यहाँ से निकलते क्यों नहीं, वहाँ पे बाहर लेके रहेंगे। मैंने कहा मैं नहीं जा रही, तो इस बात को लड़ाई हो गया। उन्होंने कहा जब तू अकेली रही है सारे दिन, किया थी मैं कहते थे दो लड़की को ले जाकर मार दूंगा। किस चीज से मारा उन्होंने? उससे मारी थी ईट और उसे डंडे से मारा। पहले से लड़कियों का दोनों का चेहरा जमीन पे फंस के दे के मारा और फिर उसके बाद ईट से कुचले आया। तुझे किसने बताया ये बात? पुलिस वालों ने, मैं खुद देख के आई हूँ। छोटी वाली लड़की की शक्ल तक नहीं पहचान पा रही। कितने कितने वर्ष की बच्चियाँ थी? वो 2.5 साल की लड़की थी, 4 साल की। उसकी लड़की की शक्ल नहीं पहचान पा रही मैं, उसको तो ऐसा पूरा कुचल दिया। अब पति कहाँ पर है? पति का तो लापता, वो ही नहीं मिले जब से, रात से ही नहीं है। बताते यही कह रहा था कि मैं दो लड़की जंगल में देखे और मार दी उन्हें दोनों को। इस बात की शिकायत रूबी ने सूरजपुर थाना पुलिस से की। पुलिस ने रूबी की तहरीर पर मामला दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार किया। सूरजपुर कस्बे में रूबी अपने परिवार के साथ रहती है। रूबी की दो बेटी, एक 2.5 वर्ष व एक 6 वर्ष और एक बेटा है। वहीं रूबी का पति शराब का आदी है, जो कि पेंटर का काम करता है। देर रात रूबी और उसके पति हरीश में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी पति अपने दोनों मासूम बच्चियों को बाहर ले गया और उनकी निर्मम हत्या कर दी, जिनका शव आज सुबह पास के ही प्लॉट में मिला। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पत्नी की तहरीर पर मामला दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। मॉर्निंग में सूचना मिली थी सूरजपुर कस्बे में, एक घर में एक बच्ची की डेड बॉडी है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पर एक 6 साल के मासूम का डेड बॉडी वहां पड़ा हुआ था, उसका सर कुचला हुआ था। वहां पे उसकी मदर मिली थी, मदर से पूछताछ हुई और मदर ने ये बताया कि जो उसका पति है यानी मृतका जो बच्ची है उसका फादर, उसने कल शाम में अपनी दोनों बेटियों को वहाँ से लेके कहीं चला गया था और वो शराब के नशे में धुत था। और उसके बाद हम लोग, चूँकि हम लोग को भी मार रहा था तो हम लोग वहाँ से हट गए थे, दोनों बच्चियों को ले गया। फिर वापस में जब वापस आया तो पूछने पर बताया कि उसने अपने बड़े भाई के यहाँ दोनों बच्चियों को रख दिया है। इसमें विश्वास करके वो सो गई, लेकिन मॉर्निंग में जब वो घर में गई तो ये गायब था और उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। शुद्ध रूप से ये जो हस्बैंड है, जो हरीश नाम है उसका, उसने अपनी दोनों बेटियों को बाहर ले जाकर के उसकी हत्या कर दी। एक की डेड बॉडी घर में मिली और दूसरी की डेड बॉडी पूछताछ के दौरान जब पता चला तो वो कस्बे में की एक खंडहर सा मकान था, वहाँ से मिला है। दोनों डेड बॉडी हम लोगों ने रिकवर कर लिए हैं और ये जो हत्यारा पिता है ये भी अरेस्ट हो गया है। कुछ देर पहले उसकी गिरफ्तारी हुई है, इससे पूछताछ की जा रही है और साक्ष्य के अनुसार इसका डिस्पोजल। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ
भूपेश प्रताप, टाइम 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।